प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पे। देखिए यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स में बुक लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। अब ये मत कहना फिजिक्स की क्लास रेगुलर नहीं हो रही, आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम रेगुलर क्लास अपडेट करा रहे हैं। जो हमारी सेकंड यूनिट चली थी परसों, स्टेटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कशन कर चुके थे और हम इसमें मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स भी डिस्कशन कर सके थे, माइक्रो एंड मैक्रो। जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम और मिनिमम का केस। देखिए जो हमने पढ़ा था, मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता दूं, ये मैं इसे दो पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी, जानते हो इसके बारे में? अगर नहीं जानते तो मैं मोटा मोटा एक बार बता देता हूँ। मुझे पता है कि आपको पता होना चाहिए थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपसे बात करूं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या है, इसके बारे में तो आशा करता हूं आप लोगों को पता होगा कि प्रायिकता क्या चीज है। मैंने बताया था नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी के पक्ष में जितना घटने हो रही है वो अपॉन में टोटल, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं आपसे चर्चा करूं थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी की। मैंने बताया मेरे पास एन केस थे, कितने केस थे? एन केस थे। उनमें से आर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? आर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कैसी, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी बताओ एन केसेस में से आर। तो आपको पता तो है एन में से आर चूज करने हैं, एन में से आर चूज करने हैं। तो कैसे चूज करते हो बताओगे मुझे? एन में से आर चूज कर रहे हो तो कैसे? एन फैक्टोरियल एनसीआर, एन में से आर चूज करने हैं, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो हो गए नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर। और टोटल नंबर क्या था? हमने थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी से पहले टॉपिक पढ़ा था मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो स्टेट क्या था? अलग अलग अरेंजमेंट, जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मैंने एन सी आर लिखा था, कॉम्बिनेशन जानते हो संचय, तो अपोन में टोटल नंबर कितना है? 2 की पावर n, ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो आपका क्या हो गया थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। इसे याद रख लेना। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैक्सिमम थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। ये तो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसमें अगर हम आपसे पूछें मैक्सिमम थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी का क्या केस है, तो अब मैं आपके सामने मैक्सिमम थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी का केस डिस्कशन करने वाला हूँ। ये तो फॉर्मूला है, लिख लो, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम पहला लिख देते हैं, पहला क्या कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं कुछ लोग, होता प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब एक बात बताओ, एन पार्टिकल है मेरे पास, दो खाने हैं, तो मैक्सिमम क्या वैसे बांट सकता हूं मैं? आधे इसमें बांट दूं, आधे इसमें बांट दूं, यही तो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का केस। थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, दोनों पर मैक्सिमम मैक्सिमम कब आ सकते हैं भैया? आधे इस पे आ जाए, आधे इस पे आ जाए, तो एन में से मैक्सिमम एन बाई टू तो सुन सकता हूं, यही तो है मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम के लिए जो आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी वो एन बाई टू होगी, इसलिए थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी कितनी होगी n बाई टू पार्टिकल चूज करने की, मैक्सिमम चूज करने की, बताओ मुझे? तो n में से n बाई टू चूज करने हैं, n में से n बाई टू, r के स्थान पर n बाई टू रख दो, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन r की पहले इस पर क्या लिख दोगे? n बाई टू फैक्टोरियल n माइनस n बाई टू, एन माइनस एन बाई टू फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n।
एन में से एन बाई टू घटाओगे तो वापस से क्या मिलेगा, एन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एन बाई टू फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन टू की पावर एन। ये आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख गया। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्या एन फैक्टोरियल अपॉन एन बाई टू फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू वन अपॉन टू की पावर एन। दिस इज द केस फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। बताइए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब एग्जामिनर आपसे कहेगा, क्या कहेगा कि मेरे पास मान लो 10 पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स है? 10 पार्टिकल्स है। इसे रफ कर दूं, एक एग्जाम्पल से देख लो, फिर मिनिमम प्रोबेबिलिटी का पढ़ेंगे। लेट वी हैव 10 पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल्स, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का केस बताओ। अब बच्चा पेपर में कंफ्यूज हो जाता है, कैसे? वो कहेगा ये तो बताया ही नहीं कितने पार्टिकल चूज करने हैं। तो आपको मैक्सिमम के लिए ये नहीं याद रखना, मैक्सिमम के लिए खुद ही याद समझ जाना है कि मैक्सिमम कह रहा है तो आर जो होगा टोटल का अंधा होगा। फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, अगर हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो आर कितना होगा, 10/2 इज इक्वल टू 5। अब आप आराम से लगा सकते हो 5 की प्रायिकता कितनी है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1/2 की पावर 10। कर सकते हो इसे इजीली सोल्व? इजीली कैसे सोल्व करोगे, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल एक तो ऐसे ही रखा, एक को खोल लिया, 5 4 3 2 1 × 1/2 की पावर 10। अब इस वाले 5 से ये वाला तो कट जाएगा, इसलिए नहीं ओपन किया था मैंने ये। ये भी 5 4 3 2 1, ये भी 5 4 3 2 1 कट जाएगा। 5 से कट गया, 5 × 2 = 10, 2 बार। अब 4 2 8, 4 × 2 = 8, 8 से 8 कट गया। 3 से कितनी टाइम कटा ये बताओ, 5 से 2 बार कटा, 3 से ये 2 बार कटा, तो कितना आंसर आ गया मेरा, 2 9 = 18, 8 7 = 56, 2 × 2 = 12, हासिल को 1, और 2 5 = 10 और 1 = 11 अपॉन 2 की पावर 10। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो या ना हो, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया, हालांकि कैलकुलेशन में भी मिस्टेक नहीं मिलेगी, पर फिर भी आपको कैलकुलेशन खुद से करने की ट्राई करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम किसकी तरफ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम प्रोबेबिलिटी। इसे रफ कर दूं, चलिए मैं मैक्सिमम वाले की साइड में ही मिनिमम प्रोबेबिलिटी का केस लूंगा, ठीक। कंडीशन नलायको, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी नहीं बढ़ा रहे तुम, हमारी मतलब मेरी नहीं, मुझे नहीं बढ़ानी, अरे यार व्यूवर्स की, मतलब हम 1000 भी टच नहीं कर पा रहे हैं। आप मतलब अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को भी शेयर नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, शायद आपको ये खतरा है उनके ज़्यादा मार्क्स ना आ जाए, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आप शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाला शेयरिंग से ही पढ़ पाता है। अगर आप सोचते हो कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, किसी को पता ना लग जाए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको तरक्की हासिल करनी है तो आपको बांटना सीखना पड़ेगा। विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ती है, समझे। कंडीशन फॉर मिनिमम, हम फ्री इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तक बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंचे। कंडीशन फॉर मिनिमम प्रोबेबिलिटी, कंडीशन फॉर, अब तो रेगुलर भी आ रहे हैं, पहले तो ये समस्या थी, चलो रेगुलर, और हमारी छोड़ो मैम तो रेगुलर आती है, मैम पे ही वीज नहीं दे रहे यार आप। कंडीशन फॉर मिनिमम प्रोबेबिलिटी, हमें पता है वैसे थर्ड ईयर एक खतरनाक जो है ना, इश्क आग का दरिया है और तुझे डूब के जाना है, तो ये बीएससी है, आग का दरिया और तुझे डूब कर जाना है। तो यहाँ पर बीएससी में फाइनल ईयर तक बिरले यानी कि शेर लोग ही पहुंच पाते हैं, तो आप पहुंचे हो, कम हो जाते हैं फाइनल ईयर तक, ये तो एक पक्की बात है। आओ देखो कंडीशन फॉर मिनिमम, मिनिमम के लिए भैया 0 कर दो, इससे मिनिमम माइनस में तो जाने से रहा,
तो जीरो रख दो। तो यहां पर पी मिनिमम कितना हो जाएगा, इसलिए पी मिनिमम कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, एक भी मत चुनो यही तो है मिनिमम, अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन टू की पावर एन। तो एन फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल तो वन होता है, वन हो गया, एन में से जीरो गया, एन फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन टू की पावर एन, एन फैक्टोरियल ने एन फैक्टोरियल को उड़ा दिया तो क्या आ गया, वन अपॉन टू की पावर एन। केवल मिनिमम के लिए सीधा ये लगा दो, आपको पूरा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है अभी आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप मिनिमम वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैक्सिमम वाले का तो ले चुके होंगे, एक बार मिनिमम वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करते हैं, कॉइन्स उछालते हैं कर दो रफ, और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम के एक क्वेश्चन करते हैं। जो आपकी कृष्णा की बुक है मैंने उससे एक क्वेश्चन उठाया है, क्या कि एट कॉइन्स उछाल दिए हमने, उछालना, एट कॉइन्स आर टोस्ड, क्वेश्चन नंबर शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मैं, एट कॉइन्स आर टोस्ड, टोस्ट कर दिए, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। फाइंड करना है आपको क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या, किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग द हेड ऑफ फाइव कॉइंस अपरमोस्ट, यानी के सबसे ऊपर पांच कॉइन पे क्या आना चाहिए, आपके हेड आना चाहिए। सेकंड इसमें क्या है, सेकंड समझना, मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, और थर्ड वन लिस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। मोस्ट का मतलब अधिकतम और लिस्ट का मतलब कम से कम न्यूनतम। अब आप इसे इजीली कर सकते हो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूं, क्या करना चाहूं बच्चा, सॉल्यूशन, तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करूंगा, किसका, फर्स्ट पार्ट का, तो गेटिंग द हेड ऑफ फाइव, तो आर कितना दे दिया, फाइव दे दिया, तो अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो फाइव हेड आने की, कितना, एन फैक्टोरियल, एन कितना है, आठ कॉइंस, आठ, तो एट फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन टू की पावर एट। सोल्व कर सकते हो, दो मिनट लगेंगे, मैं ही सोल्व कर देता हूं, आठ गुना सात गुना छ गुना पांच फैक्टोरियल, यहां तक छोड़ दिया मैंने पांच आने की प्रोबेबिलिटी, तो पांच फैक्टोरियल से तो पांच फैक्टोरियल उठ जाएगा, आठ में से पांच गई तीन फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल का थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू वन अपॉन टू की पावर एट, ये फाइव फैक्टोरियल ने फाइव फैक्टोरियल का कत्ल कर दिया, तीन दूनी छह से छह, एट सेवन या 56, 56 बटे टू की पावर एट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये आप आसानी से कर चुके होंगे, टू की पावर एट। आपको देखो जिनका एमसीक्यू है वे देखना, ये ऑप्शन दिया हुआ है, टू की पावर एट को भी सोल्व कर सकते हो, कैसे, 56 अपॉन टू की पावर एट कितना, दो दूनी चार चौक सोलह, सोलह दूनी बत्तीस दूनी चौसठ दूनी 128 दूनी 256, 128 दूनी 256, 256 काट के सोल्व कर लेना, इतना तो कर सकते हो यार आप लोग। अगर सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, गेटिंग द मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, तो मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन का मतलब आपको पता है कितना, मोस्ट प्रोबेबल मतलब मैक्स कितना है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन बाई टू फैक्टोरियल
इंटू एन बाई टू फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन टू की पावर एन, चाहू तो इसका स्क्वायर कर दूं, बात एक ही है। तो अब ये आपको पता है कितना एन फैक्टोरियल कितना है, एट फैक्टोरियल, एन बाई टू, एन बाई टू आठ का अर्ध चार, चार फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल इंटू वन अपॉन टू की पावर एन कितना है, आठ। सोल्व कर लोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आओ थर्ड क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट, लिस्ट आप जानते हो, लिस्ट में आपको पता है कुछ ही, लिस्ट का मतलब भी मिनिमम होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया ताकि समझ जाओ लिस्ट का मतलब भी कम होता है। तो लिस्ट वन अपॉन टू की पावर एन, एन कितना था आपका आठ, जो आपने जितने यूज किए हैं, तो पी मिनिमम कितना होगा है वन अपॉन टू की पावर एट। स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक होमवर्क दे दूं कोइन का, एक होमवर्क दे दूं, चलो एक होमवर्क दे देता हूं, रफ कर दो इसे। इस वाली बुक में आपको क्वेश्चन ज्यादा हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स है, क्वेश्चन ज्यादा हैं। क्वेश्चन कैसे सर, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दो, पहले ये यूनिट कंप्लीट हो जाने दो, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक। बस मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, आपसे मैं पैसे तो ले नहीं रहा, आप बस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा तक पहुंचाओगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है काम करने की, और कुछ ही। जब व्यूज अच्छे होते हैं तो आदमी अगले दिन पूरे जोश एनर्जी से उठता है, लेकिन जब व्यूज डाउन रहते हैं तो ये मन करता है अरे छोड़, जब भी लोग नहीं देख रहे, जब भी लोग नहीं देख रहे तो क्यों मेहनत कर रहा है कामों का, ठीक। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने क्या किया, एक कॉइन टॉस किया, क्या किया, कॉइन टॉस किया, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, कॉइन टॉस किया। कितने कॉइन थे हमारे पास, 10, कितने कॉइन थे, 10 कॉइन थे, या एक कॉइन को देखो, चाहे तो कह दे 10 कॉइन को एक बार, या एक कॉइन को 10 बार, 10 कॉइन को एक बार या एक कॉइन को 10 बार, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसने क्या करा, ए कॉइन टोस्ड 10 टाइम्स, 10 बार उछाला, या लिख दे 10 कॉइन टोस्ड 1 टाइम, 10 को एक बार उछाल लेगा तब भी वही बात, या एक को 10 बार उछाल लेगा तब भी वही बात। यहां हमने एक कॉइन टोस्ट, एक कॉइन उछाला है 10 बार उछाला है, कितनी बार, 10 बार। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर। आप यार कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते, तभी तो मुझे पता चलेगा कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। ए पार्ट क्या है, 3 हेड 7 टेल्स, ठीक। बी पार्ट क्या है, 4 हेड और 6 टेल, और नेक्स्ट क्या है, 5 हेड 5 टेल, कर दोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका क्या है, होमवर्क हुआ, होमवर्क हुआ। यहां पर हमारा प्रोबेबिलिटी का केस भी पूरा हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एक टॉपिक और करा देता हूँ, क्योंकि वीडियो 20 मिनट की भी नहीं हो पाई, तो एक टॉपिक और करा देता हूँ आपको, छोटा सा कर दो रफ। चलो हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम और मिनिमम केस पढ़ चुके, इस मैक्सिमम और मिनिमम केस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अब ले रहा हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा साइड में सरक जाता हूँ, कल को बीच में कुल रखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट्स। अब ये एक तरीके से आपको ज्यादा गहराई में इसमें उतरना नहीं है, कंपोजिट इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे हमने अभी तक क्या पढ़े, एक डाइस उछाला, 2 डाइस फेंक के, 3 कॉइन उछाल ले, 4 कॉइन उछाल ले, 3, हमने मैक्सिमम 3 कॉइन फेंके हैं और 2 डाइस फेंके हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपके आके 6 डाइस फेंक देगा, कितने डाइस, 6 डाइस। अब 6 पासे में आदमी कहां तक आउटकम्स लिखेगा, फेवर में कितनी है और टोटल में कितनी है। तो आपके सिलेबस में केवल कंपोजिट इवेंट्स है। कंपोजिट इवेंट्स क्या होते हैं, एक जैसे, जिन पे एक जैसे आए, आपको ज्यादा गहराई में नहीं उतरना। मैंने कहा 6 पासे फेंक के एक साथ, कितने पासे फेंक के, 6, 6 के 6 पे 3 आने की प्रायिकता।
ऐसे नहीं किसी पे एक, किसी पे दो, किसी पे चार, वो अलग केस है, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज केवल हम क्या कर रहे हैं, छह के छह पासों पे एक जैसा, 10 पासे फेंक के सबके सब पे तीन आने की प्रायिकता, एक जैसा आना चाहिए उनके लिए है यो केस। जब अलग अलग आता है उसका केस भी हम डिस्कशन करेंगे, पहले आप इसे कवर कर लो। देखो क्या कहता है, क्या कहे यहाँ पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, हमारे पास क्या है, एन आइडेंटिकल सिस्टम है, लेट वी हैव एन आइडेंटिकल आइडेंटिकल सिस्टम। हमारे पास आइडेंटिकल तो आप जानते हो, जिसे आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेट वी हैव एन आइडेंटिकल सिस्टम, एन आर सिस्टम। उनमें से जो एन आर सिस्टम है वे क्या दिखा रहे हैं, सोज आर इवेंट, ठीक है, एंड एन एस सिस्टम सोज एस इवेंट्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी नहीं तो डंडे से खींचते हो, आप तो मुझसे बड़े खिलाड़ी हो। पूरा लिखा करो, पूरा लिखने की आदत डालो। तो फोर इवेंट्स आर, आर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चा, आर इवेंट की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर, फेवर में कितने हैं, एन आर टोटल कितने हैं, एन। सिमिलरली इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स एस, एस इवेंट घटित होने की प्रायिकता, पी एस इक्वल टू फेवर में कितने हैं, एन एस टोटल कितने हैं, एन। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अगर हम दोनों की बात करें, फॉर बोथ एन आर एंड एन एस की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, किसकी, आर और एस की। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। सर हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या बता दिया। मुझे पता है, मेरी साथ भी ऐसी समस्या आई थी जब मैं बीएससी कर रहा था, लेकिन हमें कोई क्लियर कराने वाला नहीं था, आपको हम क्लियर कराने वाले हैं। देखो हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां पर आपको सर्च बार में कर लिखना होगा फिजिक्स गुरु, फिजिक्स गुरु। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर का जो सर्च अकाउंट है, यानी कि सर्च बार है, वो है फिजिक्स गुरु इंडिया, ये लिख सकते हो, ये आप सर्च कर सकते हो और हमें मैसेज भेज सकते हो। अब क्या हो रहा है, फिजिक्स गुरु इंडिया इंस्टाग्राम हैंडल पे हम काफी टाइम से रिप्लाई नहीं दे पा रहे। उसका एक छोटा सा रीजन है, बेसिक सा रीजन है, क्या कि हमने जो रिप्लाई देने वाले सर थे वे बच्चों का रिप्लाई नहीं देते थे ढंग से, तो हमने उन्हें चेंज किया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कल से नए फ्रेश तरीके से सब कुछ रिप्लाई दिया जाए। तो जब आप कोशिश करना, कल से चाहो तो हमें फॉलो कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। उस पर हम साइंस से रिलेटेड कॉमेडी वीडियो या हर तरह की वीडियो डालते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, लेट सिक्स डाइस आर थ्रोन, हमने क्या बताया, लेट सिक्स डाइस आर थ्रोन, छह डाइस है हमने फेंक दिए, तो छह के छह पे क्या आने की, दो आने की प्रोबेबिलिटी, तीन आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर ऑन ऑल डाइसेस, तो ऑल डाइस पे छह के छह डाइस पे चार आने की प्रायिकता। तो आपको पता है चार आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक डाइस पे तो 1/6। अरे यार, एक डाइस की बात करो, एक डाइस पे चार कितनी जगह है, एक जगह, तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर कितना हो गया, वन, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो गया, सिक्स। तो टोटल प्रायिकता कितनी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होगी, मैंने क्या बताया, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारी छह डाइस हैं, पहले पे
आपके कितना है 1/6, पहले पे 1/6, दूसरे पे भी 4 आ रहा है 1/6, तीसरे की भी 1/6, ऐसे करते करते छठे डाइस की भी क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। तो हमने क्या बताया, टोटल निकालनी हो तो सबकी क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, तो टोटल 1/6 की पावर 6, यही तो आ गई। समझ गए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन था और आप भी अभी बच्चे ही हो। ठीक, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन भी खत्म होता है, टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो आपने, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कल हम आपसे मिलेंगे, आपको मजा आने वाला है कल की क्लास में, कल की क्लास का लेवल थोड़ा सा उच्च रहने वाला है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।